सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज हम रिव्यू कर रहे हैं यामाहा FZS 25 का। तो ये यामाहा ने अभी फिलहाल अपडेट करी है 2022 में, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे, प्राइस रिवाइज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और ये जो नया कलर कॉम्बिनेशन है इसको देखेंगे। तो इसकी वीडियो मैं बनाने आया हूँ JM मोटर्स यामाहा शोरूम में, जो कि नोएडा 63 में पड़ता है। तो अगर आपको यामाहा की कोई भी बाइक लेनी हो तो इनको आप कॉल कर सकते हैं। शोरूम के सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, रवि भाई का आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस रिव्यू शुरू करते हैं, सबसे पहले हम डिज़ाइन की ही बात करेंगे। सो फ्रंट में जो है, वैसे अगर चेंजेस की बात करूँ डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे फ्रंट में आपको DRL देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब हाई बीम लो बीम आपको इसमें ही देखने को मिलेगा। ये जो इसके DRL है इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच है, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है कम हो सकती है, ऐसे अभी कम हो गई बट जल रही है अभी भी, और यहाँ बढ़ गई। तो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको वाइजर मिल जाता है, ये FZS वाला वेरिएंट है, S वाला वेरिएंट में आपको यहाँ पे वाइजर मिलता है, और जो बिना S वाला आता है उसमें आपको वाइजर नहीं मिलता। और यहाँ से फ्रंट से डिज़ाइन देख लो, मैंने पहले ही बोला ये बिल्कुल पावर रेंजर जैसी देखने में लगती है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स वगैरह दिख जाएंगे। सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं, ये कलर देखो आप, कॉपर कलर है, ऑरेंज आपको लग रहा होगा देखने में थोड़ा बहुत ऑरेंज की तरह, बट ऑरेंज नहीं है, जैसे कॉपर का कलर होता है वैसा है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है देखने में, दूर से ही चमक जाएगी बाइक, देखिए कितनी अट्रैक्टिव देखने में लग रही है। अब इतना टैंगी कलर है तो पता नहीं लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा लगेगा, ये सब जो कलर होते हैं ना थोड़े टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म जो है ब्लैक और वाइट यही कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर अभी भी आपको हैलोजन ही मिलते हैं, LED ब्लिंकर्स आप लगा सकते हैं बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आई गेस 2800 का वो पड़ता है आपको। यहाँ पे आपको 41mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, हाँ जी टेलीस्कोपिक है, आपको इसमें वो नहीं मिलता, USD फोक्स नहीं मिलते, तो ये एक मिस आउट इसमें आपको देखने को मिलता है। यामाहा की ब्रांडिंग हो गई, ABS की ब्रांडिंग हो गई। यहाँ पे इसका मडगार्ड है वो दो कलर में मिलता है, पीछे वाला आपको ये ब्लैक कलर में और ये जो कॉपर कलर दे रखा है, देखने में काफ़ी सही लग रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे गोल्डन अलॉय देखने को मिलेंगे आपको, 282mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, बाइब्रे के डिस्क ब्रेक हैं, ब्रेक जो है ये 2 पिस्टन कैलिपर वाले हैं और बाइब्रेक हैं तो अच्छे काम करेंगे ये। यहीं पर टायर की बात कर लें तो आपको 100/80 का 17 इंच का अलॉय देखने में मिलता है, S वाला जो वेरिएंट है इसमें आपको गोल्डन मिलते हैं, और जो नॉर्मल मिलता है उसमें आपको ब्लैक कलर के ही अलॉय देखने में मिलते हैं, तो ये थोड़ा इसमें यूनिक है। देख सकते हैं यार कलर हर जगह से जो है ना अलग ही चमक रही है ये, इसमें ब्लैक का भी काफ़ी पार्ट यूज़ करा गया है। यहाँ पे इसका जो है हाफ फेयरिंग आपको ऐसी देखने को मिलेगी, FZS 25 की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, गोल्डन और ब्लैक का आपको यहाँ पे यूज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे जाके अंदर आपका इंजन को ठंडा करेगा। इसमें जो है लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं आता, ऑयल कूल्ड इंजन आता है, इसका रेडिएटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये जो दो लाइनिंग देख रहे हो आप होसेस जा रही है जो, ये जो है ये ऑयल कूल सिस्टम के लिए है, तो मतलब ऑयल बाहर आता है ठंडा होकर फिर दोबारा अंदर जाता है, लिक्विड कूल की तरह ही है बस उसमें थोड़ा सा ऑयल जाता है। इंजन इसमें आपको 249cc का मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी, पहले अभी लुक की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका साइड लुक चेकआउट कर लो पूरा ही, यहाँ पे आप ये वाला डिज़ाइन देख रहे हैं, ये डिफरेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये कलर देख लो यहाँ चमक रहा है, लगी कलर की बात मैंने कई बार कर ली क्योंकि बहुत ही अलग दिख रहा है देखने में। यहाँ पे फ्रंट में दोबारा आते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने नकल गार्ड मिस कर दिए, आपको यहाँ पे नकल गार्ड मिल जाते हैं, और जो कि फाइबर के हैं तो नकल को तो मेरे हिसाब से ये सेव करेंगे नहीं, तो मेनली विंड प्रोटेक्शन के लिए आपको ये देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये देख लो सब फाइबर है, और यहाँ पे छोटा सा मेटल का पीस दे रखा है वो भी क्लैंप वगैरह के लिए ही होगा मेरे हिसाब से। तो यहीं पे पीछे पड़े तो पीछे आपको बहुत ही अग्रेसिव डिज़ाइनिंग मिलती है, यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिलेगा जो कि वेंट सा बनाया गया है बट ये वेंट नहीं है, सीट आपको स्प्लिट वाली ही देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ा स्पेस है और कंफर्टेबल है, पीछे वाले के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, और कंफर्ट बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे ग्रेविटल भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप तेज़ की ज़्यादा एक्सलेटर करते हैं तो ये पकड़ सकते हो, पीछे नहीं गिरोगे। यहाँ पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे बढ़ें तो यहाँ पे आपको ऐसा फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका पीछे वाला ब्रेक देखने को मिलता है और यहाँ पे एक छोटा सा फुटरेस्ट आपको मिलेगा। एग्जॉस्ट जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसके अभी एग्जॉस्ट के साउंड सुनेंगे हम जब इंजन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको टायर हगर मिल जाता है, और पीछे का टायर आपको देख रहे होगे थोड़ा सा ब्रॉड है, तो आपको 140 सेक्शन का आपको टायर मिलता है, 17 इंच का ही अलॉय है। अभी ये जो टायर है ये रेडियल टायर नहीं है, ट्यूबलेस है बट रेडियल नहीं है। यहाँ पे ब्रेक्स की बात करें तो 220mm के डोल चैनल ABS मिल जाते हैं,
पीछे आपको निसन के कैलिपर मिलते हैं, आगे आपको बाइब्री के कैलिपर मिलते हैं। तो ये सब चीज़ है। मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसमें आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। और ये वाला पार्ट देख सकते हैं, बहुत ही बिजी देखने में लग रहा है। इसके आप पीछे पड़ते हैं तो पीछे जो है आपको LED टेल लाइट देखने मिलती है। एक बार जला देते हैं। पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है, हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। LED होते तो ज़्यादा बेटर रहता। देख लो यहाँ पे ऐसा कुछ डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी लग रही है पीछे से। पीछे से मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा, जैसे पहले 25 आती थी बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन रखा है। इस साइड आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डायमंड वाली चेसी देखने को मिलती है और बॉक्स यहाँ पे आपको स्विंग आर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे जो की वाला पार्ट है इससे आप सीट ओपन कर सकते हो, ये पीछे वाली सीट ओपन हो जाएगी और इसमें आपकी किट वगैरह मेरे हिसाब से होती है। और ओवरऑल यही सब चीज़ है डिज़ाइन में, तो आपको लगभग यही सब चीज़ मिलती है। FZ में जो सबसे बड़ा हाईलाइट मेरे हिसाब से रहता है ना, वो उसका टैंक रहता है। इसका टैंक देख रहे हो आप कितना मैसिव है, बिल्कुल ब्रॉड लग रहा है। यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, इनकी जो क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, बीच में ब्लैक पार्ट। तो ये ओवरऑल जो है 14 लीटर का आपको टैंक मिलता है इसमें। और बढ़िया, ये सब तो वैसे फाइबर ही है ना, लगभग मेनली जो ऑरेंज पार्ट आप देख रहे हो ना सब फाइबर है, सब कुछ फाइबर है इसमें। काफ़ी बेहतरीन लगता है ये बाइक चलाते वक्त, जो है बहुत ही सही फील देता है ये। यहाँ पे इसके हैंडल बार की बात कर लेते हैं, एक बार बैठ जाता हूँ फिर बात करता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे हैंडल बार जो है इसका काफ़ी वाइड देखने में मिलता है। अभी मैं इसे चलाऊँगा तो उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। यहाँ पे आपको सारे ही स्विचेस मिल जाते हैं, ये जैसे मैंने बताया था DL के आपको कंट्रोलर मिल जाएंगे। यहाँ पे हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और यहाँ पे हॉर्न मिल जाएगा। एक बार हॉर्न सुन लेते हैं तो ठीक ठाक आपको हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पे इंजन किल स्विच, यहाँ पे स्टार्ट करने का बटन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको थ्रॉटल वायर मिल जाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा पीछे रहता तो सही रहता, क्योंकि यहाँ पे आप बंद कर रहे हो ना तो आपका हाथ यहाँ पे लगता है। अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही छोटा सा देखने में मिलता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन कई सारी मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है इसमें, सारी वार्निंग लाइट हो गई। यहाँ पे RPM मीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, स्पीडोमीटर हो गया और एक बार इसे ऑन यहाँ पे दबाएंगे तो इसका एवरेज आ गया 22 अभी दिखा रहा है। यहाँ पे टाइम हो गया, ओडोमीटर हो गया, ट्रिप F, ट्रिप 1, ट्रिप 2, यही सब छोटी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इसमें। हैंडल बार जो है इसका कंफर्टेबल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बार सीट हाइट की बात कर लेते हैं तो मेरी हाइट है 5 feet और देख सकते हो मेरे पैर जो है कम्फर्टेबली इसमें दोनों ही आ रहे हैं। और इसका जो फुट पैग है हल्का सा पीछे, हल्का सा, ज़्यादा पीछे नहीं है, हल्का सा है, कंफर्टेबल रहेगा। अब जो है बाइक को स्टार्ट करके देख लेते हैं और फिर इसके एग्जॉस्ट की बात करते हैं। तो कुछ ऐसी इसकी आवाज़ थी, मेरे हिसाब से पेट्रोल नहीं है तो ज़्यादा एक्सेलेटर ले नहीं रही थी। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको 249 cc का इंजन मिलता है, ये एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है और ये पावर प्रोड्यूस करता है 20.8 bhp एंड 20.1 nm ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर अगर 250 इंजन के हिसाब से देखें, 250 cc के इंजन के हिसाब से, तो उतनी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा सेगमेंट में फाड़ दिया इसने, बट जिस प्राइस पॉइंट में ये आती है उस हिसाब से पावर काफ़ी अच्छी है। एक बार इसे चला के देखते हैं और देखते हैं इसमें कैसी पावर हमें देखने को मिलती है। तो गाइस अब बाइक पे हम आ गए हैं और यहाँ पे एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं सबसे पहले। तो बढ़िया एग्जॉस्ट साउंड है इसकी, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें पेट्रोल कम है। अरे देख रहे हो पेट्रोल की दिक्कत इसमें लग रही है। तो 250 cc के हिसाब से मेरे हिसाब से जो है इसमें पावर आपको अच्छी खासी मिल रही है। ठीक है सेगमेंट के अगर देखें ना 250 cc के हिसाब से तो पावर आपको 6-7 bhp कम मिल रही है क्योंकि 20 bhp ही है इसमें, बट फिर भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस मैं देखूंगा तो वहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी सही लगी मुझे। ठीक है ये चीज़ है। और यहीं पे माइलेज अगर देखूँ ना मैं तो माइलेज भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अगर देखें तो 39-40 का आपको इसमें माइलेज मिलता है जो कि डिसेंट है इतने बड़े इंजन के हिसाब से। बाकी अगर यामाहा के देखें, यामाहा का इंजन बहुत ही रिफाइंड रहता हमेशा से, और जो इसकी रेड लाइन है ना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 10,000 rpm के अराउंड है ना, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही हो गए मेरे हिसाब से। तो मैं खींच लेता हूँ हल्की सी, ये आपको समस्या मिलेगी क्योंकि इसमें जो है पेट्रोल कम है, देख रहे हो बार बार रुक जा रही है, तो इसे ज़्यादा तो मैं नहीं चला पाऊँगा।
भाई यार आरपीएम पे दिक्कत कर रही है, फ्लिक करने में बहुत ही मजा आ रहा है, ऐसा कंफर्टेबल है, ज्यादा हैवी भी नहीं है, अराउंड 154 केजी की बाइक है तो पावर टू वेट रेशियो बढ़िया निकल जाता है, इसलिए हैवी भी नहीं है और अच्छे से आप फ्लिक कर लोगे, इसे कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो या शॉर्ट स्पिन थी ये, मजा आया, थोड़ा बहुत ही चलाया मैंने, देख सकते हो बस एक यू टर्न लिया है क्योंकि मुझे चेक करना था कि ये परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है इंजन, और मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस भाई है बढ़िया है। बाकी सिटिंग पोस्चर की बात करूँ, सिटिंग पोस्चर कंफर्टेबल है, थोड़ी सी अग्रेसिव है बट कंफर्टेबल है, देख सकते हो फुट हैंडल बार जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा वाइड मिल जाता है और फुट पैक्स हल्के से पीछे मिलते हैं। एक बार अंदर खड़ी कर देते हैं इसे, या मज़ा आया। तो अगर आपको इसकी भी टेस्ट ड्राइव लेनी हो या ये बाइक लेनी हो तो यहाँ पे जीएम मोटर्स में आ जाना, यामाहा का शोरूम है हमारा, आओ घुमा देते हैं शोरूम। ये रहा शोरूम, FZ भी खड़ी है यहाँ पे। तो चलो गाइस यहाँ पे इसकी राइड हो गई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियो को ज़रा शेयर वगैरह भी कर दिया करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।